वेलकम बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप ना स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज हम कक्षा एक भाषा भारती का पार्ट चार देखेंगे, जिसका नाम है कहानी बनाओ और सुनाओ। स्टूडेंट, यहाँ आपको कहानी बनानी है और सुनानी है, जो यहाँ आपको पिक्चर दी गई है, तो आप पिक्चर को देखिए पहले। जैसे यहाँ एक पेड़ बना हुआ है, यहाँ पर आपको घास दिख रही हरी हरी, यहाँ पर भी पेड़ है, यहाँ गुफा बनी हुई है और गुफा के सामने एक शेर सो रहा है और इसी शेर के पंजे के पास में एक छोटा सा चूहा भी बैठा हुआ है। यहाँ घास भी आपको दिख रही होगी, तो आपको क्या करना है, शेर और चूहे के ऊपर एक कहानी बनानी है। यहाँ पर शेर जो है वो गुफा के अंदर बैठा हुआ है और इसके सामने चूहा भी है। ये जो दिख रही है आपको, ये शेर की पत्थर की गुफा है, या पेड़ है, या हरी घास है, और यहाँ इनके पंजे के सामने एक छोटा सा चूहा भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर घास भी रह गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंजरे में शेर कैद हो गया है, एक जाल है जिसमें जो शेर है वो कैद हो गया है और चूहा यहाँ बाहर बैठकर सोच रहा है कि वो अपने फ्रेंड शेर की मदद कैसे करे। बच्चों, यहाँ पर शेर जा रहा है और उसके पीठ पर चूहा बैठा हुआ है, तो ये जाल में से कैसे निकला होगा, हम अब स्टोरी के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, पार्ट चार कहानी बनाओ और सुनाओ, तो आपने सारी पिक्चर देख ली पार्ट की किताब से, तो अब हमने जो कहानी बनाई है मैं उसको पढ़ूंगी, आप अच्छे से सुनना और उसी में से फिर हम अपनी वर्कशीट तैयार करेंगे। तो एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। कौन रहता था? चूहा। एक दिन जब वो अपने बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को देखा। किसको देखा? शेर को। शेर क्या कर रहा था वहां? आराम करते देखा। किसने देखा? चूहे ने। शेर को मजे में सोते हुए देखकर चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में गया और शेर के ऊपर चढ़ गया। वहां शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और शेर के बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की क्या हुई? नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। हमने देखा था ना पिक्चर में कि शेर के पंजों के पास चूहा बैठा था, तो उसने वहां शरारत की होगी जब शेर गुफा में सो रहा था। तो उसने क्या किया, शेर जब नींद उसकी खुली तो शेर को गुस्सा आया और फिर उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो चूहा डर गया। वह समझ गया कि शेर के गुस्से से अब उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको पता था उसने गलती की है, तो अब उसको कोई भी नहीं बचा सकता। चूहा बुरी तरह से डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा। किससे विनती करने लगा? शेर से, कि शेर जी मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपसे इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। किसने कहा? चूहे ने कहा। किससे कहा? शेर से कहा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे। किंतु चूहे की विनती सुनकर शेर को क्या आ गई? उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाई जाल में फंस गया।
बच्चों एक दिन जब वो शेर अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था जंगल में ही, तब उसने देखा कि जो शिकारी होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, उस शिकारी ने वहाँ पर जाल बिछा रखा था और शेर को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो उसमें क्या हो गया, फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की, मतलब शेर फंस गया था तो उसने कोशिश की कि वो खुद से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल सका। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। शेर ने क्या किया, मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की, मतलब उसने आवाज लगाई कि उसकी हेल्प के लिए कोई वहां पर आए। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था। कौन सा चूहा, जिस दिन उसने उसको छोड़ दिया था उसकी विनती सुनकर, वो वाला चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देखकर झोंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले हाथों से जाल को, नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। आपने देखा है चूहे के दांत कितने नुकीले होते हैं, तो उसने क्या किया, उस जाल को आसानी से काट दिया। कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और कुछ ही देर बाद उसने शेर को धन्यवाद, उस चूहे ने शेर का जाल काट दिया और शेर ने उसको धन्यवाद दिया। चूहे की इस मदद से शेर की जान बच गई और यह और वह बहुत खुश हुआ और दोनों वहां से चले गए और फिर चूहा और शेर अच्छे दोस्त बन गए। हमने पाठ की जो आखिरी पिक्चर थी उसमें देखा था कि शेर अपने पीठ पर चूहे को बिठा कर ले जा रहा था, दैट मीन्स वो अच्छे फ्रेंड बन गए होंगे। तो स्टूडेंट, हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, साथ ही हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। बच्चों अब हम पार्ट 4 का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पार्ट 4 का क्या नाम था, कहानी बनाओ और सुनाओ। तो हमने कहानी पूरी पढ़ ली है और कहानी में हमने देखा कि किस तरह चूहे ने भी शेर की मदद की और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हमारा प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो हमको यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमको उसके सही विकल्प चुन के उसके सामने टिक लगाना है। शेर सो रहा था, हमारा जो नंबर 1 वाक्य है, शेर सो रहा था बिल में, गुफा में या घर में। तो शेर कहाँ सोता है, गुफा में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, गुफा में। अगला वाक्य हमारा, चूहे ने मदद की। जो हमने स्टोरी में देखा है कि चूहे ने किसकी मदद की थी, शेर की, शिकारी की, जंगल की। तो चूहे ने शेर की मदद की थी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर की। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य, शेर ने चूहे को अपने ब्लैक पंजों में दबोच लिया, मुंह में, नुकीले दांत में। तो हमारा जो वाक्य में हम फील करेंगे कौन सा करेंगे, नुकीले। तो हमारा वाक्य बनेगा, चूहे ने शेर को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। सॉरी, सेंटेंस था हमारा, शेर ने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। अगला वाक्य है, चूहे के मन में सूझी। चूहे के मन में सूझी, क्या सूझी, शरारत, मस्ती या गुस्सा। तो उसके मन में क्या सूझी थी, शरारत। तो हमारा वाक्य बनेगा, चूहे के मन में शरारत सूझी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। स्टूडेंट, नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उनके आंसर एक शब्द में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, शिकारी के जाल में कौन फंस गया था, क्वेश्चन मार्क। शिकारी के जाल में कौन फंस गया था, तो इसका राइट आंसर है, उत्तर आएगा शेर।
उत्तर क्या आएगा? शेर, क्योंकि शेर जो था वो शिकारी के जाल में फंस गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, शेर के ऊपर उछल कूद कौन कर रहा था? तो शेर के ऊपर उछल कूद चूहा कर रहा था, तो उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? उत्तर चूहा। प्रश्न नंबर तीन, जंगल में कौन कौन रहते थे? जंगल में कौन कौन रहते थे क्वेश्चन मार्क, तो जंगल में शेर और चूहा रहते थे, तो हमारा उत्तर होगा शेर और चूहा। प्रश्न नंबर चार, जंगल में जाल किसने बिछाया था? जंगल में जाल किसने बिछाया था? तो जंगल में जाल शिकारी ने बिछाया था, तो उत्तर क्या आएगा? शिकारी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, सही जोड़ी मिलाइए। स्टूडेंट हमको सही जोड़ी यहाँ पर मिलानी है। एक तरफ ऑप्शन है शेर चूहा शिकारी और दूसरी तरफ है जंगल जाल और बिल। तो हमको शेर से किसको मिलाना है? शेर को मिलाना है जंगल से ही। दूसरा है चूहा, तो चूहा को हम किससे मिलाएंगे? चूहा कहाँ रहता है? चूहा रहता है बिल में। और शिकारी ने क्या किया था? तो शिकारी ने जाल बिछाया था। तो हमारी जो सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको इसको अच्छे से लर्न करना, याद करना और अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करना।